हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू चैनल स्टडी लवर सिया। तो जैसे कि हम लोग डेली यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए प्रश्न को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन करते हैं जो कि स्पॉटिंग एरर पे बेस्ड होता है। और आज जो है ये 5th पार्ट है, यानी इसके पहले हम लोग 5 पार्ट यानी 4 पार्ट देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 41 से आज हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू अधेयर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। एम्प्लॉय से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो क्या करें, रूल को फॉलो करें, अधेयर यानी फॉलो करें, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है या लागू किया जाता है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो सकता है? यहाँ पे जो एरर है इसमें कोई एरर नहीं है। एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्ट के साथ टू लगाया जाता है, जिनसे भी उम्मीद की जाती है। और जो है अधेयर, यहाँ देख रहे हैं अधेयर ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन टू आना चाहिए, अधेयर टू द रूल्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एरर होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा। आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले। मैंने इसे समझाया प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो सकता है? आई कन्विंस्ड, यहाँ कोई एरर नहीं है। हिम टू सी, कोई भी एरर नहीं है। टू सी क्या है, क्या है ये, इन्फिनिटिव है। द प्ले, प्ले यानी यहाँ क्या है, प्ले दे रखा है, प्ले को देखने के लिए। तो जब प्ले को हम कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे ना, और लंबे समय तक देखेंगे। तो जब किसी चीज़ को लंबे समय तक ध्यान से देखने की बात आती है तो वहाँ पे हम सी नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं। जब जैसे कोई मूवी देखते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे वॉच लगाते हैं। तो एरर हमारा किस पार्ट में हो, यानी सी की जगह क्या आना चाहिए, वॉच आना चाहिए। तो एरर हमारा किस पार्ट में होगा, सी में। आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट। कुछ आदमी जो है ना महान ही पैदा होते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो सकता है? सम मैन, पहले पार्ट में मुझे एरर दिख रहा है, क्योंकि सम जो होता है, सम के साथ जो भी नाउन आता है वो क्या आता है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है, प्लूरल। तो यहाँ पे जो हमारा एरर होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ये है, वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। मतलब हमें सिंपैथाइज होना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, अवश्य रखनी चाहिए जिन अन्य लोगों की परेशानियों में, अन्य लोगों की कठिनाइयों में हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तो क्या एरर हो सकता है इसमें? इसमें एरर प्रीपोजिशन से लेकर के है। सिंपैथाइज जो होता है इसके साथ क्या आते हैं, वर्ब विथ आते हैं, ना कि फार आता है। इसके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सॉरी प्रीपोजिशन आता है, वो क्या आता है, विथ आता है, ना कि फार। तो फार के स्थान पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे विथ आना चाहिए। वी मस्ट सिंपैथाइज विथ अदर्स इन देयर ट्रबल्स। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है, जो कि आंसर है हमारा ए, बी, बी है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड। मेरा जो स्टेटमेंट है ना, डिटेल, वो क्या कर दिया गया है, रिस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी होता है, सबमिट कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे सेंस जो है ना सम्मानपूर्वक का है, तो यहाँ पे सम्मानपूर्वक के लिए हम रिस्पेक्टिवली के स्थान पे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे। तो जो है एरर हमारा किस पार्ट में है, बी में है, जो कि आंसर हमारा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फिर है 47th, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग। इस मैं अपने मित्र का सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो किस पार्ट में एरर हो सकता है? यहाँ हम देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ फॉर माई फ्रेंड्स, अपने मित्र का, सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस यहाँ दे रखा है, और दिस मॉर्निंग यानी यहाँ पे क्या दिखाएगी, कंटिन्यूटी दिखाएगी, कंटिन्यूड एक्शन है। तो जब कंटिन्यूड एक्शन होता है तो वहाँ किस टेंस में होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। किस सेंटेंस, किस टेंस में होता है, कंटिन्यूअस में। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे एम की जगह क्या आना चाहिए, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एरर है, और आंसर हमारा ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कंस्टिट्यूएंसी फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वह मेरे कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा, प्रदर्शित कर रहा है पिछले 5 वर्षों से। यहाँ भी क्या दिखाया गया, सेंटेंस में कंटिन्यूटी दिखाई गई है, कंटिन्यूड एक्शन है इस सेंटेंस में भी। तो कहाँ पे एरर हो सकता है, जैसे कि आप भी अब जान गए होंगे कि यहाँ जब फॉर द लास्ट ईयर्स है,
5 ईयर्स है, तो 5 साल लगातार से, मतलब 5 सालों से लगातार होते आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैज़ बीन होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज़ बीन, क्योंकि ये वही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, आंसर हमारा ये होगा। फिर 49 है हमारा, इफ ईयर्स ऑफ योर कंडक्ट ही इज टू बी अनहैप्पी, यदि वो आपके कंडक्ट, अपने आपके आचरण के बारे में सुनेगा तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो सकता है इसमें? तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवाचक सेंटेंस है। इसमें शर्त दिखाया जाता है, जो सेंटेंस शर्त दिखाता है, यानी जिसमें इफ आई व्हेन आई, वो किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। और जो सेंटेंस उसका रिजल्ट होता है वो किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इफ किस में आया, इस सेंटेंस में आया, तो ये हमारा प्रेजेंट में, ये तो सही है, यहाँ तक तो पूरा सही है, बी तक सही है। अब ही इज़ टू बी हैप्पी, ये भी हमारा किस में दे रखा? प्रेजेंट में, जबकि इसको किस में होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए। जब इसे फ्यूचर में होना चाहिए तो ये हमारा किस में? प्रेजेंट में है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा, यानी जो आंसर होगा सी होगा। सी में एरर है, यानी ही विल बी अनहैप्पी, ही विल बी अनहैप्पी होगा यहाँ पे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नो सूनर ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज डन द पीपुल बिगिन टू चीयर लाउडली, मतलब जैसे ही वो स्टेज पर प्रकट हुआ लोग क्या हुए, मतलब इतने ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगे। तो फिर यहाँ पे जो हमारा एरर है किस सेंटेंस में हो सकता है? ये जो नो सूनर है, नो सूनर के साथ इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाना। क्या जाना? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाना। और कब होता है? जब देयर आए वाक्य में, नो सूनर आए, और भी कई सारे वर्ड होते हैं, तो ऐसे जब वर्ड आते हैं तो इनके साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ अपीयर्ड के अकॉर्डिंग हम एक डिड भी लगा सकते हैं, और डिड जब लगाते हैं तो अपीयर्ड को हम अपीयर्ड नहीं बल्कि अपीयर लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे ईडी हट जाएगा। और यहाँ पे हम क्या हैड भी लगा सकते हैं, तो हैड जब लगाएंगे तो ये एज इट रहेगा। तो हमारा जो एरर है, यानी दोनों, अगर हम दोनों टेंस यूज करें तो यहीं पे हमें एरर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, और आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपके पास कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।